हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब कोमल किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम का अचार। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और मैं आपको बिना धूप का अचार बना के दिखाऊंगी और ये इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को पूरी देखें, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगी। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जो पहले से कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं कैरी का अचार बनाना। तो ये मैंने 2 kg कच्चे आम लिए हैं, आप इसको कैरी भी बोल सकते हो। मैंने इसको अच्छे से धो के साफ कर लिया है, अभी हम इनको कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस स्लाइस में कट कर लिया है इनको। अभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मैं 1 चम्मच 2 kg कच्चे आम में एक चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और 1.5 चम्मच हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो अगर आपने मेरा अचार स्टेप बाय स्टेप देखा तो सच में आपको मैं यकीन के साथ बताती हूँ कि बहुत ही टेस्टी अचार बनेगा और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए, हमने 1.5 चम्मच में हल्दी पाउडर मिला दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको हमें चम्मच से मिक्स नहीं करना है, हमें हाथों से मिक्स करना है, क्योंकि हाथों से अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, सभी स्लाइसों पर अच्छे से ये हल्दी नमक लग जाते हैं, तो हमें हाथ से ही मिक्स करना है। और ऐसे ही हमें 2-3 मिनट ऐसे ही मिक्स करते रहना है हाथ से। और ये अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता। अगर आप इस तरह अचार बनाओगे तो सच में आपका बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगा और बहुत ही टेस्टी अचार बनेगा। और इसमें हमें धूप की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश का टाइम आ गया है, धूप भी नहीं है ज़्यादा, तो हम बिना धूप के भी अचार बना सकते हैं। तो ये देखिए, दोनों हाथों से मैंने अच्छी तरह नमक और हल्दी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी थोड़ा ऐसे मिक्स कर देंगे दोनों हाथों से, इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि सभी आम में लग जाएगा ये। तो अभी इसको हमने फैला दिया है, अभी हम इसको ढक के छोड़ देंगे और इसको पूरी नाइट ढक के छोड़ेंगे, पूरी रात। तो मैं ढक्कन लगा देती हूँ इसके ऊपर और बस इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें इस पूरी रात इसको ऐसे ही रखना है और बीच बीच में ऐसे आप चलाते भी रहना है इसको। 1-2 घंटे में हम चला लेंगे इसको। तो ये देखिए, सुबह हो गई है, अगली सुबह हो गई, तो हमने इसको हटा लिया ढक्कन को। ये देखिए कितना अचार ने पानी छोड़ दिया है कच्चे आम ने, ये देख पा रहे होंगे आप। तो नमक का काम है कि जितना भी आम में पानी होता है वो पूरा नमक की वजह से पूरा निकल जाता है और हल्दी से क्या होता है कि अच्छा कलर आता है। तो ये देखिए, पूरा पानी निकल चुका है आम का। इसको हम ऐसे चम्मच से थोड़ा अलग कर देते हैं, मैं पानी दिखा रही हूँ आपको, बहुत ही ये पूरा पानी निकल चुका है। देखिए बहुत ज़्यादा पानी निकला है, आप देख पा रहे होंगे। हमने इसमें सूखे आम डाले थे और इतना पानी हो गया है, ये देखिए। अभी हम इसको, मैं न्यूज़पेपर लूँगी, उसमें एक एक स्लाइस को हम सुखाने के लिए छोड़ देंगे और ये पानी को हम अलग नहीं फेंकेंगे। ये पानी हम स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रीज़र में, क्योंकि ये पानी हम सब्ज़ी में कहीं भी यूज कर सकते हैं। और देखिए, मैंने न्यूज़पेपर पे इसको ऐसे सुखाने के लिए छोड़ दिया है, सूखने के लिए। आप कोई भी कपड़ा या बड़ा बर्तन हो तो उसको ऐसे फैला के आप पूरी रात इसको फैन के नीचे या पूरा दिन इसको फैन के नीचे सूखने के लिए छोड़ सकते हो। मैं न्यूज़पेपर पे ऐसे पूरा सुखा दिया है। इस तरह हमें इसको फैन के नीचे सुखा देना है, जिससे क्या होता है कि थोड़ा पानी सूख जाएगा बहुत ही। तो इसमें थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा कि हमें पूरा दिन इसको फैन के नीचे सुखाना है। ये पानी हमें फेंकना नहीं है, इसको स्टोर करके रख लेना है, क्योंकि ये कोई भी सब्ज़ी में हम डाल सकते हैं। और इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। अभी हम अगला स्टेप तैयार करते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये मेथी पाउडर लिया है, मेथी, साबुत मेथी लिया 1 चम्मच, कलौंजी 1 चम्मच और ये 3 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है और ये सौंफ लिया है 3 चम्मच और 1.5 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच मिर्च पाउडर, हींग और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। अभी हम अगले स्टेप पे चलते हैं। मेथी हम थोड़ा भून लेंगे, मेथी को हम ग्राइंड नहीं करेंगे, इसको हम साबुत डालेंगे, लेकिन इसको थोड़ा भून लेते हैं। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको डार्क ज़्यादा अचार, डार्क कलर ज़्यादा चाहिए तो आप मेथी को ज़्यादा भून सकते हो, लेकिन मैं इसको
मुझे डार्क कलर चाहिए, तो इसको ज़्यादा भूनूंगी। और आप इसी टाइम, आप ये भी भून चुकी है, आप इसी टाइम गैस को बंद कर सकते हो, इतना भी भून सकते हो। तो ये देखिए हमने मेथी को भून लिया है। अभी हम इसको सौंफ और धनिया को भी भून लेंगे। आप अगर धनिया अभी तक अचार में नहीं डाला है तो अब की बार आप अचार में ज़रूर डाल के देखना। बहुत ही टेस्टी टेस्टी लगता है धनिया से, और बहुत ही अच्छी खुशबू रहती है अचार में। तो आप धनिया का अचार बना के भी ज़रूर ट्राई करना। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से इसको ऐसे ही चम्मच को चलाते रहेंगे, क्यों भूनते टाइम हम चम्मच को छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो ये नीचे जल जाएगा और ऊपर से अच्छी तरह भून नहीं पाएगा। और इस टाइम हमें गैस को भी मीडियम रखना है। तो देखिए हमने अच्छी तरह भून लिया है सौंफ और धनिया को। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और ये हमने मेथी देखिए एकदम ब्राउन कर लिया भून के। इसको हम ग्राइंड नहीं करेंगे, अभी हम ग्राइंड करेंगे सौंफ और धनिया, साबुत धनिया को। तो मिक्सी जार ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे सौंफ और धनिया जो मिक्स करके भूना था, वो इसमें ग्राइंड कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपने वीडियो को पूरा देखा तो सच में आपका अचार बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए एकदम पाउडर बना लिया है इसका सौंफ और धनिया का। और ये देखिए कच्चे आम हमारे अच्छे से सूख गए हैं, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए बिल्कुल पानी नहीं है इनमें। अभी हम इनको इकट्ठा करके दूसरे बर्तन में डाल लेते हैं। मैं आपको 2 KG का अचार बना के दिखा रही हूँ, आप ज़्यादा भी बना के रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, मैं आपको यकीन के साथ बताती हूँ। अभी हम ये कांच का मैंने बाउल लिया है, इसमें हम ये मैंने ऑयल सरसों का लिया, इसको पहले गर्म करके मैंने ठंडा कर लिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे और इसमें हम सारा मसाला ऐड करेंगे और मिक्स करके और अचार को इसमें मिक्स करेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो सच में आपका अचार ख़राब होने वाला नहीं है। तो ये देखिए इसमें जो मैंने सौंफ और धनिया को ग्राइंड किया था वो इसमें डाल दिया है मैंने। अभी हम इसमें डालेंगे कलौंजी। कलौंजी हमें थोड़ा ही लेना है क्योंकि इसमें थोड़ा कलर अगर ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा डार्क काला हो जाएगा अचार। और ये मेथी भी हमें थोड़ी लेनी है खुशबू के लिए, थोड़े पेट के लिए भी ठीक रहती है ये, क्योंकि ज़्यादा कड़वी होती है तो अचार कड़वा हो जाएगा। तो 2 KG में मैंने 1 चम्मच ही लिया है। और ये मिर्च, हल्दी, नमक और हींग इसमें मैंने डाल दिया है। मिर्च पाउडर आप अगर तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो और भी डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और बिल्कुल टाइम नहीं लगा। देखिए आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने अचार बनाना बताया है। तो अगर इस तरह आप अचार बनाओगे तो सच में बहुत ही टेस्टी अचार बनेगा और बिल्कुल ख़राब नहीं होता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अचार बना लेते हैं और एकदम ख़राब हो जाता है, इसमें कोई भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इस तरह आप अचार बनाओगे तो। अभी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया मसाले को। अभी जो हमने आम रखे थे वो इसमें डाल देंगे। और इसको आप 1 हफ्ते के बाद अच्छे से खा सकते हो, 1 हफ्ते में ये एकदम रेडी हो जाएगा। आप इसको या तो कांच के बाउल में, प्लास्टिक में, कोई में भी रख सकते हो, ज़्यादा बेहतर होता है कांच के बाउल में रखना। तो अगर आपके पास कांच का बाउल नहीं है या कोई डब्बा नहीं है तो आप प्लास्टिक के डब्बे में भी भर के रख सकते हो। और इसको 7 दिन के बाद में ये खाने लायक एकदम रेडी हो जाएगा। 5-6 दिन में ये रेडी हो जाता है, खाने के लायक हो जाता है। तो ये देखिए ऐसे हम इसको मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इसको हम या तो आप कांच के डब्बे में भर के रख सकते हो या प्लास्टिक के डब्बे में भर सकते हो। अचार हमारा एकदम रेडी हो गया है। आप 6-7 दिन बाद में इसको आराम से खा सकते हो। और इसको बीच बीच में आप चम्मच से हिलाना ज़रूरी है इसको। तो देखिए फ्रेंड्स अचार हमारा बन के रेडी हो गया है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।